तो अभी मुझे यहाँ पे करीब 1 घंटे हो गए और अब 7 बजने वाले हैं और यहाँ का भीड़ देखिए, यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो अब हम निकलते हैं और चलते हैं घर, क्योंकि घर में बहुत सारे काम होते हैं। तो अच्छा लगता है मतलब यहाँ पे आके। तो आप यहाँ पे आइए, मस्त इन्जॉय करिए और उम्मीद है आपको भी अच्छा लगेगा। मनुआवन टेकरी यहाँ से अपना आपको इतना सारा भोपाल दिखता है। तो टाइम स्पेंड करने का यही टाइम होता है कि आप इवनिंग में आइए, या इवनिंग में करीब 6 से 7 के बीच में आइए। 6 से 7 के बीच में यहाँ का मौसम बहुत अच्छा हो जाता है और संडे को यहाँ बहुत भीड़ होती है, तो आप खासकर संडे को अवॉइड करिए। और बाकी दिन अगर आपको टाइम आपके पास टाइम रहता है तो बाकी दिन आइए और मस्त इन्जॉय करिए। और सब फ्रेंड सर्कल में आए तो मेरे हिसाब से आपको अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर एक छोटा सा पार्क भी है जो बच्चों को खेलने के लिए, एक कैफेटेरिया भी है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये कैफेटेरिया है यहाँ का, और यहाँ पे आइसक्रीम वगैरह मिल जाती हैं छोटी बहुत। और कैफेटेरिया के अलावा यहाँ पे आप देखो ना, तो एक क्या है, मगरमच्छ है, घड़ियाल है। तो यहाँ पे सब लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, मुझे लगता है आइसक्रीम ही बस मिलता है इसलिए सब आइसक्रीम खा रहे हैं। तो यहाँ का एक छोटा सा पार्क, और ये जस्ट हिल के ऊपर है और मज़ा आता है। मतलब यहाँ पे आप आओ, इवनिंग में आओ तो मज़ा आता है। यार यहाँ तो संडे को बहुत भीड़ होती है, यहाँ संडे को भयंकर भीड़ होती है। अच्छा यहीं से भी सारा भोपाल दिखता है। यहाँ से सारा भोपाल दिखता है। अब ये सामने जो आप देख रहे हो लेक व्यू है, मतलब हम इसको बड़ा तालाब भी बोलते हैं। ये सामने रोपवे से आप जाओ, आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे। इससे अच्छा पैदल चले जाओ, ज़्यादा दूर भी नहीं है, ज़्यादा नीचे भी नहीं है। तो ये आप चारों तरफ देख रहे हैं, ये भोपाल है पूरा। मतलब आप जहाँ तक देखोगे जितना पानी है उसके आजू बाजू जो बसा है ना, सब भोपाल है। बड़ा तालाब, बड़ा तालाब के आजू बाजू सारा एरिया। ये कुछ दर्शक लोग यहाँ पे इसी नज़ारे का आनंद लेते हुए, और इनके साथ हम भी शामिल हो गए आज। ये सामने जैन मंदिर है, तो जैन मंदिर का भी वीडियो जल्द आने वाला है। ये सामने का व्यू देखिए, ये सामने आपको दिखेगा थोड़ा दूर पे एयरपोर्ट है, और ये सामने बैरागढ़ का एरिया आपको दिखाई देगा। ये सामने आपको बैरागढ़ का एरिया दिखाई दे रहा है, और ये सूर्य देव अभी अस्त होने वाले हैं। और ये व्यू देखिए, मज़ा आ जाएगा। अगर आप यहाँ के व्यू का नज़ारा ना लिए तो फिर आपने कुछ ना लिया। तो अब हम निकलते हैं, और निकलने के साथ ही यहाँ पे देखेंगे, जैसे ही अंधेरा होने लगता है थोड़ा यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगती है। तो आपको यहाँ आने पर कितना अच्छा लगेगा, तो इवनिंग टाइम पे ही आपको यहाँ बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पत्थरों के बीच में एक छोटा सा पार्क भी है, तो आप मस्त इन्जॉय कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक आइसक्रीम तो मतलब कैफेटेरिया भी है, तो कैफेटेरिया में आप मस्त इन्जॉय भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया था, ये सामने है, ये कैफेटेरिया है, और ये छोटा सा पार्क है, बच्चों खेलने के लिए भी यहाँ पे है, तो मस्त इन्जॉय करिए। तो मुझे तो यहाँ के बहुत अच्छा लगा। तो आपकी बारी है कि आप भी आना चाहेंगे तो आप आ सकते हैं, और संडे को आइए, संडे को आप भीड़ भी देखने को मिलती है। तो इसी के साथ हम निकलते हैं, लेते हैं आज से अलविदा, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।